हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम आप लोगों को देखिए एक नया टॉपिक बताएंगे। नया तो नहीं है बट उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ दोस्तों एक और टॉपिक है जिसका नाम है सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। दोस्तों क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि प्राथमिक सेल के बारे में तो आप पढ़ लेंगे। प्राथमिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सामान्यता हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक सेल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों इसका नाम है वोल्टेज सेल, नंबर दूसरा डेनियल सेल और नंबर तीसरा शुष्क सेल। दोस्तों ठीक उसी प्रकार जो द्वितीयक सेल है दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक सीसा संचायक सेल और नंबर दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट है क्षारीय संचायक सेल। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि आखिर द्वितीयक सेल के बारे में जहां तक हम लोग पढ़े हैं, आज आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक ना। कि आपसे कोई पूछे कि द्वितीय संचायक सेल कहते किसे हैं, या हम आपको बार बार एक चीज बोल रहे हैं, यहां पर आप सेल बोलिए या बैटरी बोलिए, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, ये नहीं कि आपका परिभाषा दोस्तों बदल जाएगा, आपका परिभाषा बिल्कुल नहीं बदलेगा दोस्तों, ठीक ना। ये बात दिमाग में रखना, या तो आप सेल बोलिए या तो आप बैटरी बोलिए, ठीक ना। या तो आप सेल बोलिए या तो आप बैटरी बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इसका मतलब कि सेल ही क्या है, बैटरी है। एगो है तो सेल बोल दिए, अब दो तीन चार गो जोड़ दिए तो बैटरी बोल दिए, सिंपल सा कंडीशन है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और चीज जानने को मिलता है दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट, यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपसे कोई पूछा कि अच्छा बताओ द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, हम आपको कल के क्लास में आपको बताए थे दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, आप सामान्य भाषा में बोलिए कि वह युक्ति या वैसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक सेल कहते हैं या द्वितीयक बैटरी कहते हैं, ठीक ना। दिमाग में याद रखिएगा कि वैसा सेल या वैसा बैटरी जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक बैटरी कहते हैं, ठीक ना। अब द्वितीयक बैटरी कितने प्रकार का, देखो इसमें बहुत सारा चीज छिपा हुआ है, इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं लेना है, ये केमिस्ट्री पॉइंट है। बट इस बात को आप समझिए कि यदि आपसे कोई पूछ दिया सामान्य तौर की भाषा में, ठीक ना, कि अच्छा बताओ आप द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला चीज इसका नाम द्वितीयक क्यों पढ़ा, ये नहीं कि दूसरे नंबर पढ़ाया, नहीं, ये नहीं कि ये दूसरे नंबर पढ़ाया इसलिए हमने उसको कह दिया द्वितीयक। होता है भाई, ये प्रथम है ये दूसरा है, दूसरा इसलिए ये दूसरे नंबर पर है, ऐसा नहीं। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं, तो ये डिपेंड ऑन एनर्जी, डिपेंड ऑन एनर्जी दोस्तों। आखिर डिपेंड ऑन एनर्जी कैसे है, तो आपको पता है प्राथमिक सेल का डिफिनेशन, आपको पता है क्या पता है, आप कहिएगा कि यदि आपसे पूछे प्राथमिक सेल या बैटरी किसे कहते हैं, आप सामान्य परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब कि जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब सिर्फ एक एनर्जी चेंज है, सिर्फ एक एनर्जी, रासायनिक एनर्जी चेंज हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। समझ में आ रही है बात, मतलब प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो वैसा सेल जिसमें जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जबकि ये भी आपसे कोई पूछे कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो द्वितीयक सेल में जस्ट अपोजिट बोलते हैं कि जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्यों, ये दोनों काम करता है। आखिर क्यों दोनों काम करता है, तो खुद सोचो ना दोस्त, खुद सोचो ना, जो बैटरी बना है, जो बैटरी बना है, जैसे मान लीजिए कि इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, गाड़ियों में जो लगी हुई बैटरी होती है, या आपके टॉर्च वाली जो टॉर्च वाले छोड़िए, आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, उसके अंदर भी तो बहुत सारा केमिकल है दोस्तों। अब केमिकल है बहुत सारा, आप उसको बार बार चार्ज कर रहे हैं, सोचिएगा थोड़ा सा, जरा सा सोचिएगा, भले आप उसको बार बार चार्ज कर रहे हैं, तो एक बार चार्ज के देखिए होता क्या है, होता क्या है। यदि प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल है, है ना, जैसे मान लीजिए टॉर्च वाला बैटरी है, टॉर्च वाला यदि बैटरी है दोस्तों, आप वो तो ऑलरेडी चार्ज रहता है, आप टॉर्च में डाले चार्ज है, जब तक यूज हुआ खत्म, फेंक दिए, प्राइमरी सेल। बट अब समझिएगा, यदि द्वितीयक सेल है दोस्तों, सेकेंडरी सेल है, आप क्या किए कि आप नया में खरीद कर रहा है, उसमें भी उतना ही एनर्जी है, आप उसको यूज किए करते करते उसका भी बैटरी डाउन पड़ गया, बैटरी डाउन पड़ गया। अब जैसे ही बैटरी डाउन पड़ा, फिर आप क्या कर दिए, पुनः आप उसको चार्ज कर दिए, पुनः चार्ज किए,
मतलब द्वितीयक सेल को समझने की बात दोस्तों, कि द्वितीयक सेल को आप दोबारा चार्ज किए, इसका मतलब फिर से वही एनर्जी कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि द्वितीयक सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। अर्थात यदि आपसे पूछे कि कौन ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आप कहिएगा द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आखिर ये तो हम जान गए कि द्वितीयक सेल कहते किसे। अब ये भी टॉपिक समझिए कि आखिर इसको संचायक सेल भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे आप किताबों में देखिएगा, ये आपको नॉलेज भी होगा कि द्वितीयक सेल के ब्रैकेट में लिखा रहेगा संचायक सेल, संचायक सेल। आखिर क्यों कहते हैं इसको संचायक सेल? संचायक सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचायक सेल का मतलब होता है संचायक, संचायक का मतलब होता है जिसको जमा कर सकते हैं, ठीक ना, मतलब संचक। संचायक का मतलब होता है संचक, संचक का मतलब जमा करना, संचित करना, ठीक ना, एब्जॉर्ब करना। तो क्या एब्जॉर्ब होता है ये भी समझिए, आखिर इसमें क्या एब्जॉर्ब होता है ये बात को आपको समझना है, ठीक ना। नामे यदि आपसे पूछ दिया कि भाई आप ही सेल पढ़ रहे हैं, ठीक ना, द्वितीयक सेल को संचायक सेल क्यों कहते हैं, तो आप कहिएगा क्योंकि द्वितीयक सेल को संचायक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि द्वितीयक सेल में इनर्जी लंबे समय तक जमा रह सकता है। द्वितीयक सेल में इनर्जी लंबे समय अंतराल तक जमा रह सकता है। क्लियर हो गया? संचायक का मतलब संचित करना, संचित करना का मतलब एक बार आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, आप पुनः उसको चार्ज कर लिए, आप जैसे ही पुनः उसको चार्ज किए हुआ हो गया, उसके अंदर क्या होने लगा, आप जैसे मान लीजिए कि आप 100% फिट कर लिए, फिर 4-5 घंटा 10 घंटा आपका मोबाइल चलेगा, एक दिन मोबाइल चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बार 100% कर लिए, आपका मोबाइल पूरा 10 घंटा 20 घंटा एक दिन दो दिन जितना दिन आपको चलाना है चलाते रहिए बैठ के। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी जमा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि आखिर उसके अंदर कौन सी एनर्जी जमा है। यदि आपसे ये कोई पूछ दिया कि द्वितीयक सेल के अंदर एनर्जी जमा है, लेकिन कोई ये पूछा कि द्वितीयक सेल के अंदर कौन सी एनर्जी किस रूप में जमा होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि द्वितीयक सेल के अंदर, द्वितीयक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमेशा जमा रहता है। यह दिमाग में रखना है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा होता है। यदि आपसे पूछे कि द्वितीयक सेल में, मान लीजिए आपके मोबाइल के बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में, गाड़ियों की बैटरी में कौन सी ऊर्जा आखिर जमा होती है उसकी बैटरी में जो लंबे समय अंतराल तक चलती है, तो आप कहिएगा कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा होती है, इसलिए यह ऊर्जा बार बार जब हम यूज करते हैं तो खपत होते रहती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां तक तो हम लोग जान लिए। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि आखिर द्वितीयक सेल होता कितने प्रकार का है। तो हम आपको कल के क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल जो होता है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है। देखिए आपको यहां लिखा हुआ भी है ना, एक नाम है सीसा संचायक सेल, पहला नाम क्या दोस्तों, सीसा संचायक सेल, और दूसरा क्या है, क्षारीय संचायक सेल। इसका मतलब विद्यार्थी पे पूछे कि द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल कितने प्रकार का होता है, तो आप आंसर बोलिएगा दो प्रकार का होता है, नंबर एक सीसा संचायक सेल और नंबर दूसरा क्षारीय संचायक सेल। चलिए हम आपको एक पहले सीसा संचायक सेल इसके टॉपिक पर लेकर चलते हैं दोस्तों, है ना, उसके बाद हम आपको इसके बारे में लिखाएंगे। बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक आएगा दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जानिए कि आखिर सीसा संचायक सेल कहते किसे है, सीसा संचायक सेल का मतलब क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आखिर इसका नाम सीसा संचायक सेल किस वैज्ञानिक ने लिया, तो कल हम आप लोग को बता दिए थे, याद रखना है, फिर भी आज के क्लास में फिर हम आपको बताते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे कि सीसा संचायक सेल का आविष्कार कौन वैज्ञानिक थे, किस कौन से वैज्ञानिक ने सीसा संचायक सेल का आविष्कार किया, दोस्तों उसका नाम था प्लांटे। क्या नाम बोलिएगा, प्लांटे, है ना। सीसा संचायक सेल का आविष्कार जो थे उसका नाम था प्लांटे, जिन्होंने 1860 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1860 ईस्वी में सीसा संचायक सेल का आविष्कार हुआ। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सीसा संचायक सेल का आविष्कार कितने ईस्वी में हुआ, तो आप क्या बोलेगा, 1860 ईस्वी में हुआ, किस वैज्ञानिक ने किया, तो आप क्या बोलेगा, प्लांटे नामक वैज्ञानिक ने सीसा संचायक सेल का आविष्कार किया। क्लियर। अब दूसरा क्या है दोस्तों, क्षारीय संचायक सेल। दोस्तों नाम है क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय तो आप समझ रहे हैं, है ना, क्षार केमिस्ट्री का भाषा है क्षार,
आप इसको अपनी भाषा में भस्म भी समझ सकते हैं, ठीक ना। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एसिड भस्म लवण, ठीक ना, हम भस्म लवण आप लोग पढ़े होंगे। तो आप भस्म का मतलब समझ रहे जो स्वाद में कड़वा हो। तो ऐसा नहीं कि इस तेल का जो आप स्वाद लिए थे तो बिल्कुल नीम या तुलसी जैसा आपको नजर आए, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक ना। नाम रखा गया है क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे अवयव को एक साथ मिलाया गया जिसका गुण जो है वो क्षार के गुण को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। लेकिन आप जानेंगे कि आखिर इस सेल का आविष्कार किसने किया, जहां तो विश्वास नहीं होगा, लगभग 41 साल के बाद अर्थात 1901 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। और इसका आविष्कार हुआ दोस्तों 1901 ईस्वी में, करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडिसन। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि क्षारीय संचायक सेल का आविष्कार करने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो आप कहिएगा एडिसन। कितने ईस्वी में दोस्तों, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में एडिसन ने सबसे पहले क्षारीय संचायक सेल का आविष्कार किया। क्लियर, तो आपको यह चीज याद रखना है दोस्तों, ये चीज याद रखना है। पहला चीज हम अब ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, अब ध्यान से बोल रहे हैं, आप लोग कन्फर्म होकर याद कर लीजिए, ठीक ना, धीरे धीरे बोलेंगे, समझिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि एक प्राथमिक सेल का नाम बताएं, आप बोल सकते हैं शुष्क सेल। क्लियर, सब लोग नोट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा एक प्राथमिक सेल का नाम बताएं तो आप क्या बोलेगा, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। तीनों सेल में आप किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा है ना कि ये बताइए कि क्षारीय क्या नाम इसका, हाँ, द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर बोलेगा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। आपसे यदि ये कोई पूछ दिया कि वोल्टीय सेल का आविष्कार करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप कहिएगा अलेक्सांद्रो वोल्टा, है ना। दूसरा, डेनियल सेल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उनका नाम था जे एफ डेनियल, है ना। तीसरा, शुष्क सेल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, बोलेगा लेकलांग सेल। उसके बाद उसके पूछेगा सीसा संचायक सेल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, आप क्या बोलेगा, प्लांटे। कितना ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। उसके बाद उसके पूछा क्षारीय संचायक सेल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, आप क्या बोलेगा, एडिसन। कितने ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए अब आपको आगे टॉपिक पर लेकर चलते हैं। लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी ऊपर में हेडिंग मार लीजिए जिसका नाम है द्वितीयक सेल। डिफिनेशन तो ऑलरेडी आप पहले से लिख चुके हैं, ठीक ना। नीचे लिख लीजिए कि यह दो प्रकार का होता है, नंबर एक सीसा संचायक सेल और नंबर दूसरा क्षारीय संचायक सेल। ये आप दोनों टॉपिक लिख लीजिए। यदि आपसे पूछे द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं, आपके यहाँ दो, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल, ठीक ना। तो जल्दी से आप इस वर्ड जो हम आपको बोले हैं आप सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे, आप फटाक से लिखिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको नॉलेज देंगे सीसा संचायक सेल के बारे में, तो आप यहां समझिएगा, ठीक ना। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि सीसा संचायक सेल का, कोई भी सेल जान दो, किसी भी सेल का सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या होता है, आपको पता है कि आप सेल भी खरीदते हैं, आप मोबाइल की बैटरी खरीदते हैं, है ना। आप मोबाइल की बैटरी जब खरीदने के लिए जाते हो तो सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या देखते हो, उसमें आखिर क्या देख के खरीदते हो, कंपनी देकर खरीदते हो, उसका पोटेंशियल देकर खरीदते हो, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या देकर खरीदते हो। दोस्तों दो चीज, जब भी आप किसी भी मोबाइल का बैटरी आप खरीदिए तो 100% आप देखते हुए कुछ मोबाइल के बैटरी लिखा था 1.2, 4.2, 2.5, ऐसा कुछ रेटिंग लिखा हुआ था दोस्तों। वास्तविकता में वो एक पोटेंशियल होता है, उसका विभव होता है। तो सेम आपको दो चीज पर गौर करना है। यदि आप कोई भी सीसा संचायक सेल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, है ना, तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज दो चीज जानिए। एक, सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। दोस्तों यहां लिख दिया आपको कि सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वह 2.2 वोल्ट होता है। क्लियर, सबसे पहला चीज सीसा संचायक सेल, यह ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा दोस्तों, है ना। सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा बात कि सीसा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो आंसर 0.01 ओम, ठीक ना। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछे कि सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है तो क्या बोलेगा, 2.2 वोल्ट। और सीसा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो आप आंसर बोलेगा 0.01 ओम, ठीक ना। तो आप इसको लिखते भी चलिए मेरे हिसाब से, ठीक ना।
हम लिखा दे रहे हैं आप लोग को, ऊपर में हेडिंग मार लीजिए सीसा संचायक सेल, ठीक ना, और लिखिए हेडिंग मार लीजिए सब लोग। चलिए अब लिखिए सब लोग, सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल, सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम होता है, 0.01 ओम होता है। चलिए हो गया दोस्तों। अब एक चीज और जानिए, पहला एक चीज जानिए दोस्तों कि आखिर सीसा संचायक सेल में होता क्या है, यह हम लोग जाने कि सीसा संचायक सेल में आखिर होता क्या है, कैसे बनता होगा, आखिर क्या क्या चीज में मिलाया जाता होगा, साथ में इसमें जो प्लेट होता है कितना प्लेट होता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिए दोस्तों, सीसा संचायक सेल जो होता है उसमें बहुत सारी प्लेटें लगी होती है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे कि सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल में किस सेल में बहुत सारी प्लेटें लगी होती है, तो आप कहिएगा कि सीसा संचायक सेल में क्षारीय संचायक सेल की अपेक्षा अधिक प्लेटें लगी होती है। सवाल आया कि सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें क्यों लगी होती है, सवाल यह आया कि आखिर सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें क्यों लगी होती है, तो आप आंसर बोलिएगा दोस्तों कि सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें इसलिए लगी होती है, सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें इसलिए लगी होती है ताकि अधिक प्लेटें लगे होने के कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक। अरे जितना ज्यादा प्लेट, मान लीजिए इतना प्लेट लगाए, इतना लगाए, इतना लगाए, इतना लगाए, तो जितना ज्यादा प्लेट लगाओगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, जितना ज्यादा प्लेट लगाओगे उसका क्षेत्रफल उतना बढ़ रहा है दोस्तों, और जितना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये बात ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना कमेगा। मतलब कि क्षेत्रफल को आप जितना बढ़ाइएगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना घटेगा, और यह बात आपको पहले से पता है, आप पढ़ चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि पिछले क्लास में कि जितना ज्यादा आपका आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, मतलब आप आंतरिक प्रतिरोध को जितना ज्यादा घटाइएगा उसमें प्रवाहित धारा का मान उतना ज्यादा होगा। या फिर जब आपको पिछले क्लास में बताए थे यदि आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर में बैटरी लगा है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा तो जितना कम आंतरिक प्रतिरोध होगा उससे धारा का प्रवाह उतना ज्यादा होगा, वही बात यहां भी दोस्तों कि इसमें प्लेटों की संख्या ज्यादा होता है, प्लेट की संख्या ज्यादा होने से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा दोस्तों तो 100% आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, और जब आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तो फिर जानबे करते हो क्या हो जाएगा, प्रबल धारा प्रवाहित होगा। मतलब एक बात क्लियर हो गया, यदि आपसे पूछे कि सीसा संचायक सेल में धारा का मान न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है तो क्या बोलेगा, अधिकतम होता है। ऑब्जेक्टिव में आंसर, यदि आपसे पूछे कि सीसा संचायक सेल में धारा का मान न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है तो क्या बोलेगा, अधिकतम होता है। सवाल है क्यों अधिकतम होता है, तो आप कहिए क्योंकि सीसा संचायक सेल में प्लेटों की संख्या ज्यादा होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, यदि प्लेट की संख्या ज्यादा कर दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, और आपको पता है कि जब आंतरिक प्रतिरोध घटेगा धारा का मान बढ़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, कन्फर्म हो गए सब लोग, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, हम आपको लिखा रहे क्वेश्चन, आप लिखिए फटाक से, लिखिए सीसा संचायक सेल में, क्वेश्चन लिखिए सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें क्यों लगाई जाती है, सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें क्यों लगाई जाती है, आंसर लिखिए, सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेटें लगे रहने से Thank you.
उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। इसलिए प्रबल धारा प्रवाहित होती है। प्रबल धारा प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब सीसा समझाएक सेल के लिए हम आपको एक छोटा सा फिगर दिए समझने के लिए, ना, ताकि आप देखिए कि आखिर इसमें एक केमिकल समीकरण जो बनता है दोस्तों वो कैसे बनता है, आखिर इसका फिगर कैसा होता होगा। तो आप सामने में देखिए कि दो प्लेट लिया गया, सबसे पहले एक आयताकार कांच का बर्तन लिया गया दोस्तों, है ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया, एक है आपका एनोड, एक है आपका कैथोड, है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, इस दोनों प्लेट है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, है ना, इन प्लेटों को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड, याद रखिए दोस्तों। इसमें बहुत सारा पढ़ चुके हैं कि सीसा समझाएक सेल में बहुत सारे प्लेटों का इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं कि एक प्लेट के अंदर बहुत सारे प्लेट लगे हुए दोस्तों, है ना, इसमें एक घोल लिया आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना, H2SO4 का घोल लिया आता है और साथ में करेंट प्रवाहित किया जाता है। इसमें करेंट का जब प्रवाह होता है दोस्तों, जब इस क्रिया में करेंट का प्रवाह होता है तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो घोल है दोस्तों वह देखिए H2SO4 या टूट करके 2H+SO4 मतलब हाइड्रोजन और सल्फर, इस दोनों को अलग कर दिया दोस्तों, है ना, इस दोनों को अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया। इसका मतलब हुआ कि सीसा संचायक सेल में अधिक प्लेट रहने के कारण जब किसी अवयव को या केमिकल को इसमें मिलाया जाता है और जब धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित करने के बाद उसके अवयव जो होते हैं वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसके जो अवयव है देखो H2SO4 जो है, यह प्लेट लिया गया है, इधर PbO2 है और इधर सिर्फ Pb है, ठीक ना, तो इसके जो अवयव जो घोल होते हैं वह अपने आयनों में विभक्त जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं आयनिक वियोजन क्रिया दोस्तों। यदि आपसे पूछे कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है तो आप लिख सकते हैं आयनिक वियोजन सिद्धांत, नीचे आप लिख दीजिए कि यह आयनिक वियोजन सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको समझने के लिए हम बता दिए, है ना, तो आप इस फिगर को उतार लीजिए दोस्तों। चलिए हो गया दोस्तों, उतार लीजिए सब लोग। जल्दी उतारिए, आज देखिए हमारा बोर्ड भी है दो कलर का है, ठीक ना, डिजिटल इंडिया हो गया है दोस्त, क्या कीजिएगा, समय का मांग यही है। सेल पढ़ा रहे हैं, कलर पढ़ा रहे हैं, तो हमने सोचे दो कलर देखे देखे, अभी यही सोचते होंगे, आज भर यही सोचिए। हो गया, नीचे लिखिए सीसा संचायक सेल के लाभ, है नहीं दोस्तों, सीसा संचायक सेल के लाभ, लाभ लिख लो, हानि लिख लो, सब लिख लो, सीसा संचायक सेल के लाभ,
पढ़ा लिखिए दोस्तों, इस सेल का नंबर एक करके लिखिए, इस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक और आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक और आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, लिख लिए। नंबर दूसरा, इस सेल में अस्थाई धारा प्रवाहित होती है। नंबर दूसरा, इस सेल में अस्थाई धारा प्रवाहित होती है। इस सेल में अस्थाई धारा प्रवाहित होती है। नंबर तीसरा, कार, कार समझ रहा ना, चलाया तो होगा नहीं, समझ दो बस, कार मोटर इत्यादि गाड़ियों में स्टार्ट करते समय इसी सेल का उपयोग किया जाता है। हो गया दोस्तों, ये टॉपिक हो गया। अब आप पूरी तरीके से समझ गए सीसा संचायक सेल क्या है, इसका आविष्कार किसने किया, कितने ईस्वी में किया, इसका फिगर कैसे बनता है, धारा के बाद आयनिक अभियोजन सिद्धांत द्वारा कैसे यौगिक टूटता है, इसमें अधिक प्लेट क्यों लगाया जाता है, सारी बातें आप समझ में आ गई है ना। इससे ज्यादा भी सीखना है लेकिन कितना सीखिएगा, ठीक है। अब हैडिंग मारिया क्षारीय संचायक सेल, ठीक है, इसकी क्रिया को आप रहने दीजिए, बहुत मेहनत हुआ इसमें। हेडिंग दीजिए क्षारीय संचायक सेल, हेडिंग दे दिया आप लोग। चलिए अब जाने दोस्तों क्षारीय संचायक सेल के बारे में, ठीक ना। सबसे पहला चलो दोस्तों, यदि आपको कोई पूछे कि क्षारीय संचायक सेल कहते किसे हैं, एक लाइन में डिफिनेशन दीजिए। डिफिनेशन क्या, पहले इसके आविष्कार और इसी का नाम याद रखिए। यदि आपसे पूछे कि क्षारीय संचायक सेल कहते किसे हैं, सीधा बोलिए कि ऐसा सेल जिसमें अवयवी पदार्थ के रूप में क्षारीय अवयव का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्षारीय संचायक सेल, है ना। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे एडिसन, जिन्होंने 1901 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था दोस्तों। अच्छा एक चीज और याद रखो, जानते हो क्या, यदि आपसे कोई कहे कि क्षारीय संचायक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, गेस करो, कोई बताओ, जल्दी कमेंट कर दो दोस्त, पढ़े तो हो गए। चलो हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, 10 सेकंड, जो विद्यार्थी जानते हो फटाक से कमेंट में लिख के भेजो, ठीक ना। जानते हो तो क्षारीय संचायक सेल का दूसरा नाम क्या है, भेज तो दो दोस्त। चलिए 10 सेकंड का समय है, आप सोचिए, फटाक से दीजिए। चलिए देखिए, कुछ विद्यार्थी का आंसर आने लगा है, एक विद्यार्थी सही आंसर दिया है ठीक ना। क्या आंसर दिया है, नीफे, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात दोस्तों, याद रखिएगा क्षारीय संचायक सेल का वाकई में दूसरा नाम होता है नीफे, याद रखना है क्षारीय संचायक सेल का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, नीफे, ठीक ना। क्या नाम बोलेगा, नीफे नाम बोलेगा, क्षारीय संचायक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, नीफे, ये बात दिमाग में रखना दोस्तों, नीफे, ठीक है। अच्छा एक चीज और जानिए, क्षारीय संचायक सेल जो होता है दोस्तों, एडिसन जानने कर तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एडिसन 360 से अधिक आविष्कार किए थे, यहां तक कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बुआ एडिसन ने किया था। लेकिन जानिए क्या आखिर क्षारीय संचायक सेल का कैसा क्या विशेषता है,
कि एडिसन जैसे वैज्ञानिक इसका आविष्कार किया और साथ में इसका यूज बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक ना। जैसे कि क्षारीय संचायक सेल में दोस्तों प्लेट होता है इसमें भी, लेकिन हाँ सीसा संचायक सेल के अपेक्षा इसमें प्लेटों की संख्या कम होती है। तो कहोगे सर जी इसका तो मतलब यही हुआ कि इसमें प्लेट की संख्या कम होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। बिल्कुल बात सही है, क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है कि क्षारीय संचायक सेल में आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। और जब क्षारीय संचायक सेल में आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कम होती है। इसका मतलब करिए देखिए, ये अंतर भी हो गया, ये अंतर भी हो गया। करिए आपसे पूछे कि सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल में किस सेल में धारा का मान ज्यादा ज्यादा होता है, मतलब किस सेल में धारा का प्रवाह अधिकतम होता है, तो आप कहिएगा सीसा संचायक सेल। और किस सेल में धारा का प्रवाह न्यूनतम होता है, तो आप कहिएगा क्षारीय संचायक सेल। ऐसा क्यों होता है, क्षारीय संचायक सेल में धारा का प्रवाह कम क्यों होता है, तो आप कहिएगा क्योंकि क्षारीय संचायक सेल में धारा का प्रवाह इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें प्लेटों की संख्या कम होती है। प्लेट कम होने के कारण इसका क्षेत्रफल कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है उसमें धारा का प्रवाह कम होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, तो आप ऊपर में हेडिंग मारिए क्षारीय संचायक सेल, ठीक है। क्षारीय संचायक सेल हरिंदे लिए बहुत बढ़िया काम किए। नीचे लिखिए इस सेल का आविष्कार उन्नीस सौ एक ईस्वी में एडिसन वैज्ञानिक ने किया था। 1901 ईस्वी में एडिसन वैज्ञानिक ने किया था। नीचे लिखिएगा निर्माण देखा जाए सीजिए निर्माण लिखिए इस सेल में निकेल का लेप लगा हुआ निकेल का लेप लगा हुआ लोहे के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड संक्षिप्त नाम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 20% घोल भरा होता है सेल की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं इस घोल का घनत्व घनत्व 1.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेल में निकेल एवं लोहा की प्लेट होने के कारण
जिसे नीफ है। देखो निकेल को सूचित करते हैं किससे बाबू, एन आई से, और लोहा को एफ ई से, सांकेतिक नाम समझिए। तो नी फे, समझ गए, इसे नीफे सेल कहते हैं। चलिए फिगर तो दोनों का सेम है दोस्तों, अब नीचे इसका लाभ लिख लीजिए। नंबर एक लाभ लिखिए, यह सेल को पुनः आवेशित किया सकता है, को पुनः आवेशित किया सकता है। दूसरा लिखिए, लगातार उपयोग करने के बाद भी, लगातार उपयोग करने के बाद भी या बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है, लिख लिए। तीसरा लिखिए, इसकी आयु सीमा, इसकी आयु सीमा बहुत अधिक होती है, मतलब ये लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इसकी आयु सीमा बहुत अधिक होती है। चलिए तो दोस्तों अब टॉपिक समाप्त हो गया, कल 10 मिनट का क्लास और है दोस्तों, आपका ये चैप्टर बिल्कुल अब फिनिश हो गया। इस चैप्टर का ए टू जेड सारा पॉइंट हम आप लोग को पढ़ा दिए। चूंकि हाँ एक खास इंस्ट्रक्शन हम आपको बता दें, ठीक ना, कि कुछ किताब में दोस्तों जो चैप्टर 7 है, ठीक ना, सॉरी 6 जो है उसका नाम है सरल परिपथ, वो अलग से दिया हुआ है, कुछ किताब में एक साथ मिला हुआ है, तो हम आपको एक साथ मिलकर के पढ़ा दिए, क्योंकि इसके बाद सीधा किरचॉफ का नियम आपका चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो अब बच गया दोस्तों कल 10 मिनट क्लास और इसमें आपको जल तुल्यांक, द्रव्यमान तुल्यांक सब बता देंगे। उसके बाद हम आपको फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स इसका हम डील करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम आपका चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे। तो एक तरह से आपका ये चैप्टर पूर्ण रूपेण समाप्त हुआ। टोटल टॉपिक जो आप पढ़े सब एग्जाम बेस्ड है दोस्तों, ठीक ना, एक भी टॉपिक हम आपको एक्सटर्नल नहीं पढ़ाए, सब एग्जाम बेस्ड है। तो आप इसका जन्म तैयारी और सारे को नोट्स को बनाते जाइए दोस्तों, इसीलिए हमको छोड़े नहीं, ठीक ना, पहले लगा था कि थोड़ा बहुत छोड़ के पढ़ाए, लेकिन नहीं, हम आपको ए टू जेड सारा कुछ पढ़ाए, ऐसा नहीं कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाए, आगे हमको पढ़ाना है, अब आगे कुछ नहीं पढ़ाना दोस्तों, ठीक ना। तो आप इसको नोट तैयार कीजिए इसका, और जो आप सारा वीडियो आपके पास है आप उसको देखिए, एक तरफ से उतारिए, हम आप कुछ क्वेश्चन देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, अति लघु उत्तरीय देंगे, लघु उत्तरीय देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, उसको आप बनाइए और चेक भी कराइए दोस्तों, ऐसा उम्मीद आपसे हम रखते हैं, ठीक है। तब आपको ऑब्जेक्टिव देने बनाने के लिए, अच्छा पिछले बार हम आपको ऑब्जेक्टिव दिए थे, ठीक ना, तो उसका आंसर हम आपको कल तो नहीं दे पाए थे, लेकिन आज देंगे, और साथ में आज शाम को हम आपको फिर से ऑब्जेक्टिव देंगे, आप उसको बनाकर चेक कराइए दोस्तों। धन्यवाद।